नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एथिकल हैकिंग इन हिंदी के इस ट्यूटोरियल में, जहां हम जावा के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे जहां हम जावा के प्रोग्राम्स को रन कर सकें। तो आइए देखते हैं कि किन किन तरीके के प्लेटफॉर्म्स हैं। तो आप दो बातों को जान लीजिए कि जावा में तैयार प्लेटफॉर्म भी आते हैं जिन्हें हम IDE कहते हैं, और आप चाहें तो जावा के जो प्रोग्राम्स हो आप नोटपैड पर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम दोनों का यूज़ करेंगे, जो आपका IDE है उनका भी यूज़ करेंगे और आपका जो नोटपैड है उस पर भी प्रोग्राम्स रन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं एक्चुअली कि ये प्लेटफॉर्म है क्या, हम इन्हें पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल ओपन करें, डाउनलोड करने की बात कर रहे हैं तो गूगल ओपन करके JDK इंटर करें, लिख दें और इंटर मार दें। तो आप देख लेंगे कि ओरेकल की जो साइट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी जावा SE की। तो आप चाहें तो सीधे साइट में भी इंटर कर सकते हैं और आप यहाँ देख सकते हैं जावा SE डेवलपमेंट किट। हमने देखा था SE क्या होता है, ME क्या होता है, इन सभी में डिफरेंसेस देखा था, पर कुछ नए वर्ड्स आप यहाँ देखेंगे जैसे JDK, यहाँ पे आपका रन टाइम इन्वायरमेंट, नेटबीन JDK विद बंडल, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम इन सारी चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअली ये होते क्या हैं, SDK JDK, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं जावा प्लेटफॉर्म JDK 9 है यहाँ पे और नेटबीन है विद बंडल ऑफ JDK। तो आप अगर हम ये यहाँ पे बात करते हैं जावा डाउनलोड की, तो अगर हमको विदाउट नेटबीन चलाना था हमें ये वाला प्लेटफॉर्म यूज़ करना पड़ेगा, और अगर हम नेटबीन के साथ मतलब एक IDE प्लेटफॉर्म के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो हमें नेटबीन विथ JDK डाउनलोड करना पड़ेगा। एक्चुअली जो ये आपके IDE वगैरह होते हैं इसमें आप एक्लिप्स वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये IDE क्या होते हैं इस बारे में अभी हम देखेंगे। तो पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि किस तरीके से डाउनलोड करना है आपको। तो आप जस्ट नेटबीन IDE पर क्लिक करेंगे, इसमें JDK का सेटअप आपको साथ में मिल जाएगा। यहाँ पर जो है यहाँ आपसे बोलेगा कि सबसे पहले तो आपको लाइसेंस एक्सेप्ट करना होगा, तो उसके लिए आप एक्सेप्ट द लाइसेंस कर लीजिएगा और ये सारे जो आपके जो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है उसको ध्यान से देखिएगा। विंडोज़ S86 मीन्स अगर आपको 32-bit का विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और विंडोज़ 64 मीन्स अगर आपका 64-bit का हो तो आप उस हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जस्ट क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ये आपके डाउनलोड फोल्डर में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये EXE फाइल के साथ आता है, आप देख सकते हैं जावा के बहुत सारे आपको यहाँ पर बहुत सारी वो दिखाई देगी, नेटबीन IDE आप देख सकते हैं, जावा डेवलपमेंट किट, नेटबीन IDE वगैरह। और अगर सिंपली आपको लेना हो तो आप सिंपली जावा आप यहाँ देख सकते हैं जावा नेटबीन IDE ओके। और हमने अभी एक वो देखा था कि अगर हम सिंपल जावा देखना चाहें तो हम विदाउट IDE भी मतलब जावा को देख सकते हैं या जावा को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जावा प्लेटफॉर्म में JDK पे चलते हैं, आप इसे देख लीजिएगा। यहाँ भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको नोटिस करनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे जावा SE इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, जावा SE डेवलपमेंट किट मीन्स JDK की बात हो रही है। तो JDK में जो आपका रन टाइम इन्वायरमेंट है JRE वो साथ में आता है। तो जैसा कि आपको पहले ही बता दिया कि दोनों चीज़ें जो हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दी जाएंगी कि JDK क्या होता है, JRE क्या होता है और IDEs के बारे में सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। एक्चुअली IDE आपकी प्रोग्रामिंग को काफ़ी ईजी कर देता है, मीन्स जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो IDE में काम करते हैं, मीन्स उन्हें वो सारा प्रोग्राम को रन करने के लिए कमांड्स नहीं देनी पड़ती, जस्ट वन क्लिक और प्रोग्राम रन कर जाता है और बहुत इजी कर देता है प्रोग्रामिंग को। पर इसका बिगनर्स के लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, वो ये कि आप वो बेसिक चीज़ें नहीं सीख पाते जो आपको एक्चुअली सीखनी चाहिए। तो जिन यूज़र्स को बेसिक से स्टार्टिंग से शुरू करना है वो एडवांस यूज़र नहीं है, उन लोगों को जावा नोटपैड के थ्रू बनाकर और फिर उसको कमांड प्रॉम्प्ट से रन करके जावा सी कमांड देकर इस तरीके से जावा को सीखना चाहिए, ना कि आईडी के थ्रू प्रोग्राम की कोडिंग की और जस्ट रन कर दिया। उससे आप बहुत सारी जो बेसिक कमांड्स है, जो बेसिक जो ओवरव्यू आपको जो जानना चाहिए जावा के बारे में वो आप नहीं जान पाएंगे। तो आप इस तरीके से जो आपका JDK है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं विथ आपके
नेटबीन के साथ, और आप चाहें तो सिंपली जावा डेवलपमेंट किट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके सेटअप में कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको सिंपली जस्ट ये जो डॉट ई एक्स ई फाइल क्रिएट होगी इस पर क्लिक करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, जावा आपका डाउनलोड आपका वो हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले से ही डाउनलोड करके रखा, ये नेटबीन आप देख सकते हैं पहले से ही डाउनलोड करके उसका सेटअप चला के रखा हुआ, तो इस तरीके से कुछ आईडी ओपन होगा। और आप चाहें तो फिर उसे जब आपका आईडी डाउनलोड हो जाएगा तो उसके बाद आप उसमें देख सकते हैं कि उसमें प्रॉपर ऐसा ओपन करके कि वो प्रॉपरली हुआ है नहीं, या फिर अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप देख सकते हैं ओरेकल की साइट पर ही कि किस तरीके से इसका सेटअप चलाना है। ज़्यादा मुश्किल नहीं, सिर्फ जस्ट डबल क्लिक करना हो जैसे हम नॉर्मल सेटअप चलाते हैं वैसे ही चलाना है। तो हम दोनों तरीके के प्रोग्रामिंग करेंगे, हम उसको अपने जो नोट पैड है उसके थ्रू भी करेंगे। देखिए ये जावा का नेटबीन आईडी हो गया, डाउनलोड हो गया। आप चाहे तो आप चाहें तो एलिप्स वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी एक आईडी ही है, और उसमें भी आप सी सी प्लस प्लस जावा तीनों की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप तीनों के प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं, सी सी प्लस प्लस जावा के। तो ये आप पर डिपेंड करता है। आप यहाँ देख सकते हैं जावा का जो जावा एप्लीकेशंस आ जाते हैं, आप नेटबीन में जावा के एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं, जिसका हम यूज़ किस तरीके से करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहले आप सेटअप डाउनलोड करने के बाद जस्ट उस पर डबल क्लिक कर दीजिएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट कीजिएगा, वो डाउनलोड हो जाएगा। और फिर हम पहले JDK JRE क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, उसके बाद हम फिर प्रोग्राम क्रिएट करना कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए एथिकल हैकिंग इन हिंदी। थैंक यू।